हेलो गाइस, दिस इज तरुण कपूर, ये है तरुण कपूर फिटनेस। तो मेरे भाइयों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ आज क्योंकि ये समझाना आपको बहुत ही ज़रूरी था। इस टॉपिक पे आज आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि वर्कआउट से पहले नीट एंड क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके गोल अचीव होंगे, वरना आपको सालों साल लग जाएंगे आपके गोल अचीव करने में। मैं बात करूं मसल बिल्डिंग की, मैं बात करूं फैट लॉस की, जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं या जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए नीट एंड क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी है वर्कआउट से पहले। वर्कआउट से पहले आपको शावर लेना, नीट एंड क्लीन अपने कपड़े पहनने बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका गोल अचीव होगा। वो कैसे? बहुत लोग यही गलती करते हैं, इसलिए ही मैं टॉपिक लेके आया हूँ आज। क्या जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं, और आपको पता ही है विंटर आ चुकी है, तो विंटर में बहुत कम लोग नहाते हैं सुबह सुबह वर्कआउट से पहले। और वर्कआउट से पहले जब आप शावर लेके ही नहीं जा रहे तो आपके मसल टिश्यू तो खुले नहीं, तो जितना इंटेंस वर्कआउट आपको चाहिए जिम के दौरान वो आप दे ही नहीं पाते। और बहुत लोग यही बात कहते हैं कि यार सुबह सुबह वर्कआउट नहीं होता पर शाम को होता है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि आप शावर ले लेते हो सुबह सुबह। तो मेरे भाइयों, मुझे आप अपना बड़ा भाई या छोटा भाई मानते हो, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप जब भी वर्कआउट जाओ तो शावर लेके या फ्रेश होके एक बार मुंह वूह धो के और अच्छे से नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के आप जाओ। क्योंकि जब तक आप ये सब नहीं करोगे तब तक आपकी जो वर्कआउट स्प्लिट है, जो इंटेंस लेवल जितना है आपका, जितनी आप में एनर्जी है और जितना आपको फोकस चाहिए जिम के दौरान, वो आप नहीं दे पाओगे। और मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वीडियो किसी ने भी आज तक बनाई नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी बिगनर सीरीज आने वाली है, मेरे प्रोग्राम आने वाले हैं, और वो सब आप चालू करोगे तो स्टार्ट करने से पहले आपको यही चीज़ नहीं पता होगी, तो उन सब प्रोग्राम का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं चाहे 50-60 भी प्रोग्राम ले आऊँगा तो क्या फ़ायदा, जब तक आपके रिजल्ट ही नहीं आएंगे। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए तो बना रहा हूँ कि जिससे आपके रिजल्ट आए, आपको क्या दिक्कत है वो आपकी परेशानी को मैं समझूँ और आपको बताऊँ, तभी तो मैं आया हूँ आपके सामने। तो नीट एंड क्लीन होना वर्कआउट से पहले बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाइयों, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि यही लोग, बहुत सारे लोग है ना, गलती करते हैं इस चीज़ की, तो तभी आपके गोल अचीव नहीं हो पाते जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं। क्योंकि आप सुबह सुबह, जो लोग सुबह सुबह जिम जाते हैं वो सुबह सुबह उठ के मुंह वो धो के जिम चले जाते हैं, तो वो जो आपके जो मसल टिश्यू है वो नहीं खुल पाए, और वो खुलना बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाइयों। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको भी पता नहीं चलेगा। मैंने अभी शावर नहीं लिया है और मैं विदाउट शावर लेके जाऊँगा तो जिम का जो मेरा फोकस है, जितनी मेरे में पावर है, मैं वो नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने अभी जस्ट अपनी वेस्ट, अपने शूज़, अपने लोवर और अपनी क्या कहते हैं उसे, सॉक्स, जुराबे कह लो उसे, तो ये सब मैंने वॉश करवाए हैं। मेरे पे 3-4 जोड़ी हैं, लोअर भी है, और अभी मैं कैप लेके आया हूँ एक नई, तो ये कैप बहुत दिनों से पुरानी हो गई है, आप भी देख देख के बोर होंगे। तो वर्कआउट से पहले शावर लेना बहुत ही ज़रूरी है, और अच्छे, एक अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से वर्कआउट, आपको खुद अच्छा लगता है तो दूसरों को भी देख के अच्छा लगेगा आपको कि भाई बंदा यार सही से कपड़े पहन के आया है, वर्कआउट इतना बेहतरीन कर रहा है, मज़ा आ गया, तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है। जब तक आप ये सब नहीं सीखोगे, कुछ लोग मुंह वो धोते नहीं है, ऐसे ही पहुंच जाते हैं जिम में और लोअर पहन लेते हैं, तो नहीं गाइस, जो लोग सैंडो पहनते हैं, जो लोग वेस्ट पहनते हैं, तो वेस्ट पहन के एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपकी बॉडी खुल के, जब आप वर्कआउट करते हो तो खुल के चीज़ दिखती है और लोगों को भी दिखता है, तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मैं इसलिए ही लेके आया हूँ आज वीडियो, क्योंकि आप ये चीज़ समझ पाओ कि शावर लेना और अच्छे से बन के जाना जिम में बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप पे गोल अचीव होंगे। अब आप खुद एक बात सोचो कि मैं खुद फैट लॉस कर रहा होता और मैं सुबह सुबह उठता और मैं शावर ना लेके, मतलब मुंह वूह धो के मैं जिम चले जाता, क्या मेरे में जो इंटेंस वर्कआउट, जितनी मेरे में एनर्जी है वो मैं दे पाता?
नहीं दे पाओगे बात, ये चीज आप नहीं दे पाओगे, ये बात आप खुद सोचो मेरे भाइयों। जितना वर्कआउट, जितना फोकस आपको चाहिए होता है जिम के दौरान, वो तभी चाहिए होता है, वो आप तभी दे पाओगे जब तक आप नीट एंड क्लीन बन के जाओगे। और 80% मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं ना, विंटर की विंटर आ चुकी है, वो शावर लेके नहीं जाते होंगे और नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के नहीं जाते होंगे। लोअर उठाया, टी शर्ट उठाया, कुछ ही पहन लिया, चलो यार जिम चल लो, प्रोटीन ले चलो, प्रोटीन से बॉडी बनेगी, प्रोटीन से बॉडी नहीं बनती मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिथ है आपका, इसे निकाल दो। जितनी जल्दी आप निकाल सकते हो मिथ कि प्रोटीन सप्लीमेंट से बॉडी बनती है, तो नहीं, आपकी डाइट से बनती है। मेरा जो फोकस रहता है वो डाइट पे होता है, मैं आपके लिए डेली बेसिस पे फोटो एंड वीडियोस इसलिए ही डालता हूँ कि जिससे आप मोटिवेट होते रहो, और मोटिवेट होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप ये सोचते हो कि मेरे यार रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहा हूँ, प्रोटीन भी ले रहा हूँ, BCAA भी ले रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ, तब भी यार वो बात नहीं आ पा रही जैसी मुझे बॉडी चाहिए, वो बात नहीं आ पा रही। वो तभी आएगी जब आप हर एक चीज़ को पकड़ के चलोगे। और ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि नीट एंड क्लीन होना वर्कआउट से पहले बहुत ही ज़रूरी है। जब आप सैटरडे होते हो, जब आप संडे होते हो, जब भी आपकी छुट्टी होती है, जब आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना होता या आपका कोई भी वर्क नहीं होता, तो आप बाई चांस, आप मान लीजिए आप सुबह जिम जाते हो, तो आप उस दिन शाम को जिम जाए, शाम को जिम गए, तो शाम को जिम जाने से पहले आप एक बार शावर लेके और नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ वर्कआउट इतना हैवी होगा ना, मज़ा आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, नीट एंड क्लीन वर्कआउट से पहले बहुत ही ज़रूरी है, और इसलिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, और आपको बताने की इस चीज़ को आप समझना, आप करना और फिर समझना। एक बार वर्कआउट से पहले शावर लेके जाना और नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के जाना और फिर वर्कआउट करना, और गारंटी दे रहा हूँ आपका वर्कआउट अलग ही होगा उस दिन। वर्कआउट से 1 घंटे पहले जब आप डाइट लेते हो अपनी, जो लोग सुबह जाते हैं या जो लोग शाम को जाते हैं, वो एक बार वर्कआउट से पहले, जो सुबह जिम जाते हैं, मैं उनसे ये बोलूँगा कि आप वर्कआउट से पहले, जब आप 1 घंटे पहले मील लेते हो अपनी, तो शावर लेके फिर कपड़े वपड़े पहन के फिर जाना। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका फोकस, आपका एनर्जी लेवल इतना ऊपर होगा ना, मज़ा आ जाएगा आपको भी। और जो मुझे फॉलो नहीं कर रहा मेरे इंस्टाग्राम पर, जाइए मुझे फॉलो कीजिए, मेरा अकाउंट है तरुण कपूर फिटनेस के नाम से। अपने भाई को सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को, जिससे आपको सीखने का मौका मिले और बहुत लोग सीखते रहें ये सब चीज़ें, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हो। और मैं आपके लिए नए साल पे प्रोग्राम लाने वाला हूँ, मसल बिल्डिंग और फैट लॉस। बहुत लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, लीन मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, मुझे पता है बहुत लोग लीन मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, मस्कुलर मैस जैसी मेरी बॉडी हो, मस्कुलर मेरा बल्क भी हो, कटिंग भी हो, हर चीज़ वो चाहते हैं कि मेरी जल्दी जल्दी रिजल्ट आए। तो गाइज, भाई को सपोर्ट करो, फुल लाइक कर दो मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो, लाल सा बटन है साइड में, बिल्कुल फ्री है यार, और मुझे फॉलो कीजिए मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, और शेयर जरूर कीजिए मेरी वीडियो को मेरे भाइयों। और जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बार आप करने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं मेरे भाइयों, लव यू यार, ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहो, मेरी वीडियो को शेयर करते रहो, और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। और ऐसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा, और जो मैं प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही फाड़ देगा आपको। थोड़ा टफ है प्रोग्राम, मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आपको रिजल्ट भी तो बहुत जल्दी चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरे 5 से 6 महीने में रिजल्ट आ जाए यार, तो 5 से 6 महीने में रिजल्ट आ तो जाते हैं, बट आपको ये पता है कि उसके लिए आपकी डाइट, आपका वर्कआउट कितना हैवी चाहिए होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और वो ही प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूँ, आपको हिला के रख देगा, आपका इंटेंस लेवल, आपका फोकस, आप में जितनी एनर्जी है ना, वो सब निकाल देगा ये प्रोग्राम। तो मुझे फॉलो कीजिए और करते रहिए, फट जाएगी नए साल पे। तो मसल बिल्डिंग और फैट लॉस, ये दोनों प्रोग्राम आने वाले हैं, और दोनों में ही आपकी रेल बन जाएगी ये दोनों प्रोग्राम करके। बहुत ही टफ प्रोग्राम है, इसलिए बनाया है क्योंकि आपको रिजल्ट भी तो बहुत जल्दी चाहिए, तो
तो रिजल्ट जल्दी चाहिए तो आपकी डाइट और आपकी वर्कआउट स्प्लिट दोनों अच्छी होने चाहिए, तभी आपके 5 to 6 महीने में रिजल्ट आते हैं। तो बाय गाइस, लव यू, ऐसे ही अपने भाई को प्यार करते रहिए, बाय।